नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, बिजनेस और खेल जगत की सुर्खियां भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइन से। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। संगठन के नेता 2 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रहेंगे मौजूद। व्यापार, संस्कृति और पर्यटन में सहयोग के साथ आतंकवाद होगा बड़ा मुद्दा। सीयूईटी यूजी 2022 के परिणाम जारी। एनटीए की वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे परिणाम। अंग्रेजी में परीक्षार्थियों ने हासिल किया सर्वाधिक अंक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश, आज स्कूल दफ्तर सब बंद। हजरतगंज में दीवार गिरने से 9 की मौत। रूस ने यूक्रेन के बड़े बांध को मिसाइल से बनाया निशाना, शहर में घुसा बांध का पानी। यूक्रेन के इज़्यम शहर में एक कब्र में 400 से ज्यादा लाशें मिलने से मचा हड़कंप। और महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने किया संन्यास का ऐलान। 2021 के विंबलडन के बाद नहीं लिया किसी प्रतियोगिता में हिस्सा। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं रोजर फेडरर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद पहली बार एससीओ के शिखर सम्मेलन में नेताओं की व्यक्तिगत रूप से मौजूदगी होगी। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं, जिसमें पुतिन और उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव सहित दूसरे नेताओं से उनकी बातचीत होगी। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी संभावित द्विपक्षीय बैठक के बारे में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि बैठक में विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और आतंकवाद सहित साझा चुनौतियों से निपटने, कारोबार और आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया है कि एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय विषयों, विकास और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। Topical regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity, as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विद द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड सम अदर लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। पीएम्स पार्टिसिपेशन इन दिस समिट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट इंडिया अटैचेस टू द एससीओ एंड इट्स गोल्स। एससीओ शिखर सम्मेलन, इससे जुड़े तमाम मुद्दे, अपडेट, इसके महत्व पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और पहुंच भी चुके हैं, आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या मुख्य कार्यक्रम है आज वहां पर?
देखिए अमृता, जो वहां मुख्य कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे एससीओ समिट सबसे प्रमुख कार्यक्रम है और एससीओ समिट में भाग लेने चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, तो उसके कार्यक्रमों की अगर मैं जानकारी दूं तो आज वहां के स्थानीय समय 9:20 यानी यहां के स्थानीय समय 9:50 पे एससीओ समिट की औपचारिक शुरुआत होगी। और जब औपचारिक शुरुआत मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब ये होता है कि जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हो एक एक करके सभी नेताओं का स्वागत करेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा, उस फैमिली फोटो को कहते हैं कि सारे नेता जो हैं एससीओ के वो एक साथ मिलकर फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद उनका एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह सबके लिए सुलभ हो, लेकिन निश्चित तौर पे एक ओपनिंग स्टेटमेंट की परंपरा रही है एससीओ समिट में। उसके बाद जो दूसरा बड़ा कार्यक्रम है कि एससीओ के जो 8 नेता हैं, 8 जो परमानेंट मेंबर जिनको कहते हैं, वो 8 परमानेंट आपस में बैठकर एक गंभीर गुफ्तगू करेंगे। वो यहां के समय के मुताबिक 10:30 उसकी शुरुआत होगी और तकरीबन 2 घंटे वो बैठक चलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है एससीओ की, जिसमें कि जो इस इलाके के मामले में, पूरी दुनिया के मामले में और इलाके से जुड़े हुए ट्रेड के मामले में, सुरक्षा के मामले में, उसके अलावा ऐसे जो एक महत्वपूर्ण मामले हैं वो सारे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने के पहले ही ये पूरी तरह साबित कर दिया था कि देखिए एससीओ की यह बैठक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम ले रहे हैं और एससीओ की बैठक का मतलब सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एक रिव्यू भी होना है कि एससीओ ने 20 साल में, देखिए 2001 में अगर एससीओ बना था तो आज 2022 है, उसमें क्या क्या एससीओ ने सोचा था और क्या क्या वो पूरा हुआ है। तो यह एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग की बहुत बड़ी बात होगी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग में। उसके अलावा जो बाधाएं हैं, जो एससीओ देशों के बीच में जो सहयोग को बढ़ाने में क्या क्या बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं पर विचार होगा इस रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग में। उसके अलावा एससीओ में रिफॉर्म क्या किया जा सकता है। देखिए अभी जो एससीओ में मेंबरशिप की जो परंपरा है वो काफी इतनी कठिन परंपरा है कि सालों इंतजार करना पड़ता है एससीओ में जो शामिल होने के इच्छुक हैं। पहले उनको डायलॉग पार्टनर बनाया जाता है, फिर उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है और उसके बाद उनको फुल मेंबरशिप दिया जाता है, वो एमओयू पे साइन करते हैं। तो उस हिसाब से इस बार ईरान जो है वो ईरान एससीओ के फुल मेंबर के रूप में शामिल होगा, एमओयू साइन करेगा और अगले साल वो फुल मेंबर के रूप में शिरकत कर सकेगा एससीओ की सारी बैठकों में। बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं आज एससीओ की बैठक। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुए संकट पर चिंता जाहिर की। शी जिनपिंग के इस कदम को रूस के यूक्रेन युद्ध पर चीन की नाराजगी के पहले संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रूस के यूक्रेन युद्ध के 6 महीने से अधिक समय में यह शायद पहली बार है कि चीन, जो कि मॉस्को का दृढ़ सहयोगी बना रहा और आक्रमण की निंदा करने से इनकार करता रहा, उसने पुतिन के कदम पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया है। और इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां के हजरतगंज इलाके में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण एक मकान की दीवार जो है वो गिर गई और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है उससे ये कि कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। मलबे में जो लोग दबे हैं उनको तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। दिलकुशा कॉलोनी के पास मकान की दीवार गिरी है। वहीं दुर्घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने तेजी से रेस्क्यू करने का निर्देश दिया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचाई है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है। स्थिति को देखते हुए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को शुक्रवार तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है और इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी बंद किया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 का रिजल्ट जारी किया। एनटीए ने आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदवार अपना स्कोर ऑनलाइन देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट CUET UG रिजल्ट 2022 CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट
माफ कीजिएगा cuet.samarth.ac.in पर देख सकते हैं। करीब 14 लाख छात्र CUET UG 2022 के पहले फेज में शामिल हुए और लगभग 20,000 उम्मीदवारों ने 30 विषयों में 100% हासिल किया है। और अंग्रेजी वो विषय है जिसमें परीक्षार्थियों ने सर्वाधिक 100% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में परीक्षार्थियों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम सरकार और 8 उग्रवादी गुटों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जिन गुटों के साथ समझौता हुआ है उनमें ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपल्स आर्मी शामिल है। इन समूहों के साथ 2012 में संघर्ष विराम लागू है। अब परेश बरुआ और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित उल्फा के गुट को छोड़कर असम में सक्रिय सभी उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता हो गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण है। सरकार पूर्वोत्तर में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास का मौका मिलेगा और साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिलेंगे। एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया। और इधर कर्नाटक विधान परिषद ने विपक्षी दल कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के विरोध के बीच धर्मांतरण रोधी विधेयक गुरुवार को पारित कर दिया। विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम और रिलीजन बिल पारित किया था, लेकिन यह विधेयक विधान परिषद से पारित होने में अटक गया क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था। इस विधेयक को प्रभाव में लाने के लिए इस साल मई में अध्यादेश लाया गया था। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने ऊपरी सदन में विधेयक पेश किया और कहा कि हाल के वक्त में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन देकर सामूहिक धर्मांतरण और जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है जिससे शांति भंग हो रही है और कई धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच अविश्वास पैदा हो रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी की धार्मिक आजादी को नहीं छीनता और कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार धर्म का अनुसरण कर सकता है, लेकिन किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं। वहीं विधान परिषद में विपक्ष नेता बी के हरिप्रसाद ने इसका विरोध करते हुए विधेयक की प्रति फाड़ दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं और दुनिया भर के देशों को इनका समाधान निकालने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 62वें कोर्स से जुड़े शिक्षकों और कोर्स करने वाले सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें न केवल पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए बल्कि अनदेखे खतरों के लिए भी तैयारी करनी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हम विविधतापूर्ण दुनिया में हैं जहां पर एक छोटा बदलाव व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इंडिया इज ए नेशन इज टेकिंग स्ट्राइड्स टू बिकम एन आत्मनिर्भर भारत। वेरियस पॉलिसीज इनिशिएटिव्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड टू मेक दिस विजन पॉसिबल। इट इज दिस विजन व्हिच ब्रिंग्स इंडिया ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा के कर्तव्य पथ पर पूरे एक महीने के लिए मनोरंजन और इंफोटेनमेंट कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
आपको बता दें कि दर्शकों को आकर्षक अनुभव देने के लिए कथक और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया गेट कैनोपी में आने वाले दर्शकों के लिए शास्त्रीय और अर्ध शास्त्रीय वाद्य संगीत का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश देगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम में हर उम्र के लोग हर रोज शाम के बाद बिना किसी शुल्क के शामिल हो सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 8 बजे तक चलते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सप्ताहांत में एक विशेष सांस्कृतिक मेले के साथ माहौल को और अधिक रोचक बनाया जाता है, जो कि आधुनिक सुधारों के साथ मिश्रित भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, खेल जगत के बड़े समाचार। बने रहिए हमारे साथ। इंदु मुरुगन, दर्जनों बेसहारा महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम निरंतर कर रही हैं। वुमन लैक द स्किल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड टू सेट अप दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एलपी। सुमित्रा राय इन जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में फरिश्ता बनकर काम कर रही हैं। जो पीड़ित हो, जो अपना सहयोग भी खुद नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर में आप लोग को उसको हेल्प करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब नजर 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र में विधायक अमानतुल्ला खां को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा गया है। उन्हें आज 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विधायक से वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जेल में पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति मिल गई है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के लिए 3 तारीख की मांग की थी, जिसकी गुरुवार को कोर्ट ने अनुमति दी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार किया है। कल्याणमय गांगुली पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में अपने सदस्यों पर हुए हमले की जांच के लिए 4 सांसदों सहित 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और मांग की है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज भुवनेश्वर के आसमान में सुबह 10 बजे वायुसेना का विशेष एयर शो होगा। इस एयर शो में वायुसेना के सूर्य किरण विमान करतब दिखाएंगे। ये एयर शो कुआखाई नदी के तट पर आयोजित होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान गुरुवार को कारोबारियों से मुलाकात की और निवेशकों से राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाने की बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री बीएससी में कारोबार शुरू होने की उन्होंने घंटी बजाई। बंगलुरु का आत्मदर्शन योगाश्रम और मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा मिलकर 16 से 18 सितंबर तक बंगलुरु में 3 दिवसीय मुफ्त योग शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII 16 और 17 सितंबर 2022 को चेन्नई में CII FPN इंडिया फैमिली बिजनेस समिट का आयोजन करेगा। इस आयोजन का विषय फ्यूचर रेडी फैमिली बिजनेस इन न्यू एज होगा। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक राजस्थान, दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट के बाद उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के आंगनबाड़ी केंद्र और 1 से 12 तक के स्कूल को 2 दिन तक के लिए बंद किया गया है। साथ ही केदारनाथ यात्रा को लेकर NDRF और SDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर।
पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के साथ अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। तालिबान सरकार ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज किया। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के जरिए नामित आतंकवादी की उपस्थिति का मुद्दा अफगान अधिकारियों के साथ उठाया है। अफगानिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात तब कही जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया कि अजहर अफगानिस्तान में है, लेकिन एक अफगान प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर इससे इनकार किया। रूस ने यूक्रेन के कीविज़री शहर के एक बड़े बांध को निशाना बनाया। इससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जानकारी के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह के पास इनलेट्स नदी पर बने एक बांध को 8 क्रूज मिसाइलों से उड़ा दिया। इससे शहर के बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। फिलहाल शहर के निवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं यूक्रेन के एजियम शहर में एक सामूहिक कब्र में 400 से ज्यादा लाशें मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। और उधर ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी देश बताते हुए कहा कि वो सेना के साथ नागरिकों से भी युद्ध लड़ रहा है। ये बताता है कि वो एक कमजोर देश है। आपको बता दें कि शहर की सबसे बड़ी हाइड्रो टेक्निकल संरचना पर रूसी मिसाइलों के साथ इस हमले के बाद एनहुलेट्स नदी के एक क्षेत्र में कई हिस्सों में तबाही मचाई गई। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकीपॉक्स के इलाज के लिए उपलब्ध एकमात्र दवा के अति प्रयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दवा के अधिक प्रयोग से वायरस में एक छोटा सा उत्परिवर्तन भी गोलियों को अप्रभावी बना सकता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हफ्ते टपॉक्स के लिए अपने मार्गदर्शन को अपडेट किया, जो कि वायरस से पीड़ित हजारों रोगियों के लिए निर्धारित किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीति कार्यकर्ता शिफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिकी सीनेट ने इस पद के लिए ध्वनिमत से दुग्गल के नाम की पुष्टि की। हरिद्वार में जन्मी दुग्गल कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। दुग्गल के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर 2 अन्य लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। उन्होंने मियामी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री ली। वे मानवाधिकारों की प्रबल पैरोकार हैं और ह्यूमन राइट्स वॉच की सैन फ्रांसिस्को समिति की सदस्य भी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार और नियामकों को वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों, वित्तीय स्थितियों और बाजार के घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके जरिए किसी भी समस्या को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उचित और समय पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक को संबोधित कर रही थीं। परिषद में अन्य बातों के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व चेतावनी और उनसे निपटने के लिए तैयारी, मौजूदा वित्तीय ऋण सूचना प्रणाली में सुधार और प्रबंधन के मुद्दे और वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी। कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी कमी का फायदा तेल कंपनियां ग्राहकों को देने से बच रही हैं। पिछले 3 महीने में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $26 सस्ता हुआ है, पर कंपनियों ने तेल के भाव को स्थिर रखा है। इसका असर ग्राहकों की जेब पर हो रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर इस अनुपात के आधार पर तेल कंपनियां कीमतों में कमी करती हैं तो पेट्रोल और डीजल 11.70 रुपये के करीब सस्ता हो सकता है। 6 जून को कच्चा तेल $120 प्रति बैरल था, जबकि अब ये $94 प्रति बैरल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 अप्रैल से स्थित हैं, यानी कि इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रूस को पीछे छोड़कर सऊदी अरेबिया देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। 3 महीने पहले रूस ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ा था। हालांकि इस दौरान भारत ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से तेल लेना भी कम कर दिया है, जो कि करीब 60% कम होकर 16 साल के निचले स्तर पर आ गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ईरान भारत को तेल आपूर्ति के रूप में पहले स्थान पर है। अगस्त में भारत को तेल आपूर्ति के मामले में संयुक्त अरब अमीरात चौथे स्थान पर था, जबकि कजाकिस्तान कुवैत को पीछे छोड़
पांचवें नंबर पर आ गया, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। चिप की कमी का असर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों और गाड़ियों पर ही होता था, पर बैंकों को भी क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं। चिप आपूर्ति करने वाली कंपनियां गिरोह बनाकर चिप की कमी बताकर ज्यादा भाव पर बैंकों को बेच रही हैं और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से जांच कराने की मांग की है। आईबीए को इस संबंध में काफी सारी शिकायतें मिली। इसके बाद आईबीए ने सीसीआई को पत्र लिखा है, साथ ही वित्त मंत्रालय को भी विक्रेताओं की इस ठगी की जानकारी दी है। और आइए अब बात कर लेते हैं खेल जगत की सुर्खियों की। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। 41 साल के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की है। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में विंबलडन के बाद से अब तक कोई प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। उनके घुटने के कई ऑपरेशन हो चुके हैं। उनका विदाई कार्यक्रम अगले सप्ताह लंदन के लेवर कप में होगा। ये उनकी प्रबंधन कंपनी की ओर से संचालित एक टीम इवेंट है। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारतीय महिला पहलवान निशा दहिया ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई हैं। 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में निशा दहिया को कनाडा की पहलवान और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लिंडा मोरिसो ने हराया। 24 वर्षीय पहलवान निशा पिछले साल 65 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सुर्खियों में आई थी। और भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले को इंग्लैंड की महिला टीम ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 3 मैचों की T20 सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम किया है। ब्रिस्टल में हुए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 122 रन बनाए, जिसके जवाब में उत्तरी इंग्लैंड की महिला टीम ने निर्धारित लक्ष्य 3 विकेट खोकर 18.2 ओवर में हासिल किया। इससे पहले सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड में जीता था, जबकि दूसरा मैच भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया था। तो ये थी आज की अहम खबरें और इसी के साथ आपसे लेना चाहेंगे इजाजत, लेकिन जाते जाते आप नजर डालिए आज के इतिहास पर। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। 16 सितंबर साल 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित की। इससे पहले साल 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया। कन्वेंशन में सरकारों, वैज्ञानिकों और उद्योगों ने ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले सभी पदार्थों को 99% काटने के लिए मिलकर काम किया। सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के फलने फूलने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य के अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इंसान की वजह से इस सुरक्षा कवच में छेद बन रहा है। इसी ओजोन परत की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए दुनिया भर में हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। SEO